Thank you.
भगत सिंह। देश की खातिर मरण मिटन ने 24 घंटे तैयार था, छोटी सी उम्र में आजादी का सिर पे भूत सवार था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देश की खातिर मरण मिटन ने 24 घंटे तैयार था, छोटी सी उम्र में आजादी का सिर पे भूत सवार था। कानून काटे अंग्रेजा के पल में कर दिए ढेर था, ईसा भगत सिंह शेर अलाइव, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर। या दुनिया पढ़ के सो जाती वो आधी रात ने जाग्या करता, वेराना के कर देगा अंग्रेजा ने डर लाग्या करता। या दुनिया पढ़ के सो जाती वो आधी रात ने जाग्या करता, वेराना के कर देगा अंग्रेजा ने डर लाग्या करता। तेन ते पहला फांसी दे दी नहीं लगाई दे था, ईसा भगत सिंह शेर अलाइव, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर। वो देश की खातिर जेड़ा मैं कर गया बर्बाद जवानी रे, राज करणीये भूल गए ना याद रही कुर्बानी रे। मैं किससे के आस करूं गई टूटिया घड़ी उम्मीदा की, सोने की चिड़िया भारत में इनको ने कदर शहीदा की। मारे देश के हर बालक की आंखिया में यो सपना था, नोटा पे भगत सिंह छपना था, नोटा पे भगत सिंह छपना था। कोई जननी माँ जे सुनती हो इस शेर दुबारे जाम दियो, या भारत माता रोवे से आंखिया के आंसू थाम दियो, थाम दियो, थाम दियो। कोई जननी माँ जे सुनती हो इस शेर दुबारे जाम दियो, या भारत माता रोवे से आंखिया के आंसू थाम दियो। हमारे देश में इसे वीर की बड़ी जरूरत फेर था, ईसा भगत सिंह शेर अलाइव, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर था, ईसा भगत सिंह शेर रोगो, ईसा भगत सिंह शेर। थैंक यू। I'm gonna go to the hospital.
भाषणों में बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं, बहुत सारी बातें आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, मैं केवल उनको दोहरा रहा हूँ, आपके सामने दोबारा से रख रहा हूँ। तो एक बार फिर से सुनेंगे और मनन करेंगे कि आजादी का हमारे जीवन में महत्व क्या, क्या हम लोग पूर्ण रूप से आजाद आज भी है। हम लोग शारीरिक रूप से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आजाद आज भी नहीं हुए हैं। मानसिक रूप से हम लोग आज भी गुलाम हैं। हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखाई देता है शरीर वो, और दूसरा जो दिखाई नहीं देता हमारे शरीर के अंदर रहने वाला मन। हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम सबने सुना है। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति होने से पहले वो हमारे देश के लिए वैज्ञानिक भी रहे। उनके जीवन की एक घटना है, उनके एक मित्र हुए वाईएस राजन करके। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने केवल लैब्स में रहकर के प्रैक्टिकल नहीं किए, उन्होंने मानव जीवन का अध्ययन भी किया, और ये अध्ययन किया कि इतना बड़ा देश जिसमें इतनी साधन संपन्नताएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, जनसंख्या बहुत अधिक है, मानव बल बहुत है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में इतना पीछे क्यों है, इसका क्या सबसे बड़ा कारण है। तो उनके मित्र ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, जिसमें ये लिखा कि सहस्त्र शताब्दी का नया भारत, जिसको हम लोग आजकल 2020 कहते हैं ना, तो 2020 में भारत कैसा होगा, नई शताब्दी में भारत कैसा होगा। ऐसे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के प्रारंभ के पृष्ठों में एक कहानी उन्होंने लिखी, अपने जीवन का एक कथानक उन्होंने लिखा वाईएस राजन ने,
उनका विदेशों में आना जाना रहता था और दूसरे लोगों के साथ चर्चा भी उनकी रहती थी। उनके ड्राइंग रूम में एक बहुत सुंदर कैलेंडर लगा हुआ था जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के देशों के बहुत सुंदर सुंदर चित्र उस कैलेंडर में लगे हुए थे। तो जो भी अतिथि वहां पर आता और उस कैलेंडर को देखता और कहता, बहुत सुंदर कैलेंडर है ये, इसमें चित्र भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है, कहाँ का है, किसने बनाया है, कितने ये चित्र खींचे हैं। तो सब ये पूछते हैं कि कहाँ का ये कैलेंडर है, तो वैस राजन उत्तर देते, ये कैलेंडर जर्मनी की किसी कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? जर्मनी की एक कंपनी ने बनाया है। तो आने वाला सज्जन कहता, हाँ बहुत अच्छा है, जर्मनी की तो तकनीक बहुत ऊंची है, और गर्व महसूस करता अपनी ये बात कहने में। बहुत दिनों तक यही प्रचलन चलता रहा। एक दिन ऐसे ही एक सज्जन आए और उन्होंने कैलेंडर की तारीफ की, तो उन्होंने वही बात दोहराई कि ये जर्मनी की किसी कंपनी ने बनाया है, और तो बोले जर्मनी की तो तकनीक बहुत अच्छी है। इसके बाद वैस राजन उस सज्जन को उस कैलेंडर के नजदीक ले गए, बोले इन चित्रों के नीचे एक कृतज्ञता ज्ञापन ज्ञापन होता है, जब भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसका थैंक्स करती है बड़ी बड़ी कंपनी। तो उसके कृतज्ञता ज्ञापन में लिखा हुआ था कि ये सारे के सारे चित्र भारत के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट ने खींच करके हमको दिए। किसने खींच करके दिए हैं? भारत के बनाए हुए सैटेलाइट ने ये चित्र हमारे मालदीपों के खींचे हैं, और उसके बाद जर्मनी की कंपनी ने उनको कलेक्शन किया है और ये कैलेंडर बना करके यहाँ भेजा है। तो उस सज्जन के मन में जितना गर्व जर्मनी की तकनीक को बहुत अच्छा बताने में था, उन्होंने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, भारत भी ऐसा कर सकता है क्या? आश्चर्य की स्थिति है, गर्व की स्थिति नहीं है अपने देश की उन्नति को देख करके लोगों के मन में। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण डॉक्टर अब्दुल कलाम किसी काम से लंदन में गए और वहां के एक म्यूजियम में उन्होंने एक रॉकेट को देखा। जो सबसे पहले प्रयोग में किया गया उस रॉकेट को वहां प्रदर्शनी में लोगों को देखने के लिए म्यूजियम में रखा गया हुआ था। तो उसी की चर्चा जब आकर के उन्होंने अपने किसी एक डिनर पार्टी में अपने वैज्ञानिक साथियों से की, तो लोगों को जब बोलने लगे वहां पर, तो एक ब्रिटिश सर्जन ने बोला कि सबसे पहला रॉकेट इंग्लैंड ने सबसे पहले प्रयोग में लिया। लेकिन अब्दुल कलाम ने खड़े होकर के कहा, नहीं ये गलत है, सबसे पहला रॉकेट जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया तो भारत की सेना ने अंग्रेजों के ऊपर सबसे पहले दागा, और उसी रॉकेट का खोल उठा करके और उन्होंने अपने म्यूजियम में ले जा करके रखा। तो उनको लगा, हाँ बात बहुत दिलचस्प है, यानी अगर भारत किसी चीज को इन्वेंट करता है और जब तक उसको कोई बाहर का गोरा इस चीज को प्रशंसा कर नहीं देता, तब तक वो हमारे दिमाग में और दिल में उतरती नहीं है कि हमने श्रेष्ठ हो सकते हैं क्या। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के पिछड़ने में सबसे मुख्य कारण बताई। और हम सब जानते हैं कि हमें अपनी चीज में गर्व नहीं होता, कोई भी चीज जो यहाँ से कच्चा माल जाता है और भारत से बन करके आ जाता है, उसमें ट्रेड विदेशों का लग जाता है, तो वही ब्रांडेड हो जाता है हमारे लिए और हम उसको पहन करके बहुत शान महसूस करते हैं। दूध निर्यात में हम अग्रणी देशों में हैं, हमारे आसपास के जितने भी छोटे देश हैं दूध हमसे खरीदते हैं, दुनिया के बड़े देश भी दूध हमसे खरीदते हैं, लेकिन वही दूध जब प्रोसेस होकर के क्रीम के रूप में और अन्य प्रोडक्ट्स के रूप में भारत में आता है तो दुगने दामों पे हम उसको खरीदते हैं और शान महसूस करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें ये बताती है कि हम इतने आबादी होने के बाद, इतने साधन संपन्न होने के बाद भी हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। हम आजाद तो हो गए, हम प्रतिवर्ष अपने आजादी के दिवस को याद करते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये भी जरूरी है समाज में अपने अच्छे दिनों को याद करना, लेकिन ये अच्छे दिन कब तक अच्छे रहेंगे? जब तक हमारे यहाँ का सामाजिक समाज जागेगा नहीं, हमारे यहाँ की राज सत्ता का मूल में प्रजा सबसे मूल में होती है, लेकिन प्रजा को सबसे साइड में किया हुआ है। प्रजा को शासन तंत्र एक शोषण का माध्यम बनाए हुए हैं, लेकिन ये काम कैसे हो रहा है? हमारा समाज जातियों में, बिरादरियों में, संप्रदायों में, धार्मिक आस्थाओं में बटा हुआ है,
और शासक वर्ग हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं ताकि उनका राज निष्कंटक चलता रहे। जब समाज एकत्रित होगा, समाज संगठित होगा, तो शासकों को शासक चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इतने होने के बावजूद भी हम दुनिया में क्यों पिछड़ रहे हैं। हमें अपनी चीज पर, भारतीय होने पर, अपने साधन चीजों पर हमें अपना गर्व महसूस होना चाहिए कि नहीं, जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी और मुझे उस पर गर्व करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, हम लोग सब जानते हैं जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में बम गिराए गए। सब जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में लगभग 45 के आसपास बम हुए। जापान बर्बाद हुआ और हम आजाद कब हुए? 1947 में। जापान कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पर हैं? ये तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। जापान कितना तकनीक में आगे निकल गया है, वो भी बर्बाद हो गया था पूरा। हमसे 2-3 साल पहले बर्बाद हुआ, हम 2-3 साल बाद आजाद हुए। हम कहाँ पर हैं, जापान कितना आगे चले गया है, इन सब बातों का विचार हमें करना चाहिए। जापान में जब बम गिरे तो अमेरिका उसकी केयर टेकर की भूमिका में आज तक भी है कि जापान पर जो हमला होगा वो अमेरिका पर माना जाएगा। ऐसा उस दिन एक संधि हुई जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम डाले गए, तब से अमेरिका जापान की देखरेख करता है। उसका उदाहरण हमने अभी देखा, जब कोरिया ने मिसाइल जापान के ऊपर से चलाई तो प्रतिक्रिया अमेरिका ने की, जापान में भगने की प्रतिक्रिया। इसी के आड़ में अमेरिका की कुछ संस्थाओं ने अपने सामान जापान में बेचने की कोशिश की। कैलिफोर्निया एक देश है अमेरिका में, उसका संतरा बहुत अच्छा आता है, तो वहाँ के फल विक्रेताओं ने जापान के बाजार में अपना संतरा बेचा। जापान का व्यक्ति जब बाजार में निकला और उसने उस संतरा को देखा वहाँ पर जाकर के, तो उन्होंने देखा कि भाई ये संतरा तो हमारे देश का नहीं है, क्योंकि जापान टापुओं का समूह है, हमारे जैसे बहुत लंबी चौड़ी जमीन जापान के पास नहीं है। तो जापान का संतरा होता है लेकिन छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है, रंग भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो संतरा बाजार में आ रहा है इसका भाव भी कम है, दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। अब हम लोग जाएंगे तो बाजार में क्या करेंगे, अपने देश की चीज़ कैसी भी हो उसको छोड़ देंगे, जो अच्छी सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है उसी को लेकर के घर पर आ जाते हैं। हम विचार नहीं करते कि मेरे राष्ट्र में बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन जापान का आम व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रखता है। उसने पूछा ये संतरा कहाँ का है, तो उन्होंने बताया, बोले इसका दाम कितना है बताया, अपने देश के सामान का भी दाम पूछा, वो सुंदर नहीं है, स्वाद में भी नहीं है, बहुत अधिक गुणकारी भी नहीं है। लेकिन जापान के आम व्यक्ति ने क्या किया, अपने देश का कुछ कम गुण वाला संतरा भी वहां से खरीदा। कुछ समय के बाद वो पूरा संतरा समुद्र में बहाना पड़ा। इसलिए जापान आज दुनिया में जब भी देशभक्ति की चर्चा की जाती है तो जापान उसमें अग्रणी देशों में से आता है। इसी अपने राष्ट्रभक्ति के लिए या राष्ट्रीय चरित्र को उन्होंने इतना ज़्यादा विस्तृत कर लिया है कि अपने स्वार्थ के बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर राष्ट्र की कहीं बारी आती है तो अपना स्वार्थ वो बिल्कुल नहीं देखते, राष्ट्र के विषय में सोचते हैं। क्योंकि दुनिया में हमारी पहचान किससे है, हमारे देश से। हम दुनिया में किसी भी देश में चले जाएंगे तो सबसे पहला पूछा जाएगा कौन से देश में आ रहे। तो अगर देश हमारा स्वाभिमान में रहेगा तो हमारा स्वाभिमान बना हुआ रहेगा। एक छोटी सी बात आप देखिए, अभी मैं चिकित्सक हूँ, आप लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग और प्रोफेशन से आते होंगे। हम अपने प्रोफेशन में, अपने काम धंधे में बहुत माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, अच्छे से अच्छे जानते हैं कि भाई इस पेशे से धन कैसे कमाया जा सकता है, हम सब जानते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पेशे में आने वाले व्यक्ति के माध्यम से धन कमा रहे हैं और अपनी संपन्नता को बढ़ाते जाते हैं। ये संपन्नता हमें कहाँ से मिली है, समाज से। तो जब समाज से हम लेते ही जा रहे हैं, वापसी में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो समाज कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और हम आज खड़े होकर के सड़कों पे आंदोलन करते हैं, कोर्ट में रिट डालते हैं, किसी हमारी कोई रक्षा नहीं करता तो कैसे करेगा, कमजोर समाज तो हमने बना दिया है, हमने साधन संपन्न अपने चारों तरफ इकट्ठे कर लिए हैं। समाज जब कमजोर हो गया तो हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। हम देखते हैं बहुत समय पहले ऐसे ज्यादा घटनाएं समाज में नहीं होती थी, लेकिन अभी ज्यादा घटनाएं होने लगी हैं, हमने समाज को कमजोर कर दिया है।
और जब तक संसाधनों का समान रूप से वितरण नहीं होगा, हर आदमी के लिए संसाधन संपन्न नहीं होंगे, तब तक ये बुराइयां रुकने वाली नहीं है। ये बेतहाशा दिन दूनी रातों दिन बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं रोज टीवी में देख करके, अखबार में पढ़ करके हम शांत हो जाते हैं चाय पर, उसके बाद पूरे दिन में या अगले दिन हम उस बात को याद भी नहीं करते। ये सारी चीजें हमारे माध्यम से हो रही है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ कर रहे हैं। ये सारी चीज समाज को कमजोर करने का काम हम स्वयं कर रहे हैं। इसलिए हम इस स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी कल्पना मन में लेकर के जाएं कि मैं जो कमाऊंगा समाज से, उसमें समाज का भी हिस्सा है। जब भी मुझे मौका लगेगा मैं समाज को उसमें से जरूर दूंगा, क्योंकि शक्तिशाली समाज होगा तो हम सुरक्षित हैं। शक्तिशाली समाज नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इन बातों को हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, बहुत साल पहले, शायद वोटों की तो उम्र भी इतनी नहीं होगी जितने उस गीत की आयु है, जब वो लिखा गया सिनेमा के पर्दे पर और गाया गया, वो सच्चाई आज भी समाज में यथावत रूप से जारी है। हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। वो गीत की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखूंगा, आपने ध्यान से उसको सुनिए कि कितना यथार्थ तब भी था और उससे ज्यादा यथार्थ आज के समय में हमको देखने को मिल सकता है।